वेट लॉस के लिए सब कुछ करके देख लिया, इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दी, लिक्विड डाइट पर भी चले गए, जिम का पैकेज रिन्यू करवाया, 1 से 2 घंटे वहां भी स्पेंड किए, बट वेट है कि टस से मस ही नहीं हुआ। क्या रीजन हो सकता है? क्या आपने अपने थायराइड लेवल्स चेक करवाए? जी हाँ, वजन कम ना होने का कारण आपके थायराइड लेवल्स भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें पता ही नहीं चलता कि थायराइड हमारे वेट गेन का रीजन है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको पता चले कि थायराइड की वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, ऐसे 7 फूड्स जो कि अगर आपको थायराइड है तो आपको अवॉइड करने हैं, और 1 दिन का हाइपोथायरॉयडिज्म का डाइट प्लान। हेलो एवरीवन, आई एम डाइटिशियन खुशबू धमीजा और मेरा मोटिव है इंडिया से ओबेसिटी को कम करना और आपको हेल्थ के लिए मोटिवेट करना सो दैट आप एक डिजीज फ्री लाइफ जी सके। चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, कैसे पता चले कि आपको थायराइड है? अगर आपका सडन वेट गेन हो रहा है, अचानक से वजन बढ़ने लगा है, मसल में वीकनेस आ रही है, या फिर आपको ज्वाइंट्स में पेन रहने लगा है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई इश्यू है, ड्राई स्किन है, डिप्रेशन है, या एक्सेसिव हेयर फॉल है। एक्सेसिव हेयर फॉल यानी कि 1 दिन में अगर आपके 100 बालों से ज्यादा टूट रहे हैं उसे एक्सेसिव हेयर फॉल बोलेंगे। अगर इनमें से कुछ भी आपको अचानक रहने लगा है तो हो सकता है कि इसका एक रीजन थायराइड है। हम बहुत से छोटे छोटे चीजों को इग्नोर कर देते हैं और बाद में यही चीजें जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं, जैसे कि अगर इनको इग्नोर किया जाए तो यही ओबेसिटी या फिर इनफर्टिलिटी या फिर हार्ट डिजीज इनमें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो बेटर यही है कि अगर आपको ये सब बार बार हो रहा है तो अपने आप थायराइड टेस्ट जरूर करवाएं। आपके रिपोर्ट्स में जब आप थायराइड प्रोफाइल चेक करवाएंगे TSH लेवल्स आएंगे। अगर आपके TSH लेवल्स less than 5 हैं, दैट मींस आपको थायराइड नहीं है। TSH लेवल अगर 5 से 10 के बीच में है, दैट मींस आपको सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है। इस केस में आपको अपने डाइट को और लाइफस्टाइल चेंज जो है लाइफस्टाइल चेंजेस करने की जरूरत है। अगर आपके TSH लेवल्स ग्रेटर देन 10 है, दैट मींस कि इस केस में अब थायराइड को मेंटेन करने के लिए आपकी मेडिसिन स्टार्ट होगी, प्लस आपको डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस करने की भी जरूरत है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको थायराइड डिटेक्ट हो रहा है तो ऐसे कौन से 7 फूड्स हैं जो कि आपको थायराइड में अवॉइड करने हैं? ये वो फूड्स होते हैं जिनमें गोइट्रोजेनेस नाम का एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, और ये गोइट्रोजेनिक फूड्स आपकी थायराइड ग्लैंड को अच्छे से फंक्शन नहीं करने देते। तो थायराइड में आपको पहला फूड अवॉइड करना होता है क्रूशीफेरस वेजिटेबल्स, यानी कि जो भी कैबेज होती है, ब्रोकली होती है, कॉलीफ्लावर होती है, फूलगोभी, बंद गोभी, इन सबको अवॉइड करना है। बट अगर आप इन्हें पका कर खाना चाहें तो आप इन्हें पका कर खा सकते हैं, इससे उनमें गोइट्रोजेन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। दूसरा है सोय और सोय से बने हुए प्रोडक्ट्स, इन्हें भी थायराइड में हमें लिमिट कर देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सोया तो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और हम वेजिटेरियंस अगर सोयाबीन नहीं खाएं तो हम प्रोटीन लेंगे कहां से? तो जितना प्रोटीन 100 ग्राम ऑफ सोयाबीन में प्रेजेंट होता है, उतना ही प्रोटीन 250 ग्राम पनीर में, 300 ग्राम ओट्स में और 200 ग्राम दाल में प्रेजेंट होता है। तो आप अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट वहां से पूरा कर सकते हैं। तीसरा है स्टोन फ्रूट्स, यानी कि ऐसे फ्रूट्स जिनके बीच में स्टोन प्रेजेंट होता है, जैसे कि पीचेस हो गए, प्लम्स हो गए, एप्रिकॉट्स हो गए, पियर हो गया, मैंगोस, चेरीज, ये सभी स्टोन फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं, इन्हें भी थायराइड में लिमिट कर देना चाहिए। चौथा है मिलेट्स। मिलेट्स बहुत अच्छा सोर्स है हेल्थ के लिए, बट कुछ केसेस में थायराइड के देखा गया है कि उन्हें मिलेट सूट नहीं करते, जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा, इसकी जगह आप किनुआ, बकव्हीट यानी कि कुट्टू का आटा, राइस, ओट्स, ये सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फिफ्थ इज ग्लूटेन। थायराइड में ग्लूटेन को भी लिमिट कर देना चाहिए। ग्लूटेन प्रेजेंट होता है वीट में, गेहूं में। मार्केट में 2 तरह के वीट फ्लार प्रेजेंट होते हैं, पहला जो कि बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग से बने होते हैं, उनमें उसका हस्क रिमूव कर दिया जाता है जिसमें फाइबर बहुत कम हो जाता है, और दूसरा वो जिसमें प्रोसेसिंग कम की जाती है, जिसमें होल ग्रेन का यूज किया जाता है, वो थोड़ा सा ब्राउन कलर में उसकी रोटी बनेगी। तो वही आटा प्रेफर करें, या फिर आप 2 आटों को मिक्स करके भी उनकी चपाती बना सकते हैं, जैसे आप वीट और जो के आटे की, या फिर आप वीट और ओट्स के आटे को मिक्स करके भी उनकी चपाती बना सकते हैं। 6th इज कॉफी।
कॉफी जो है वो आपके T4 यानी कि जो थायराइड हार्मोन है उसकी अब्सॉर्प्शन को स्लो कर देता है। खाली पेट आपको चाय या कॉफी कभी भी कंज्यूम नहीं करनी है, ये आपकी बॉडी में एसिडिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देगा। नंबर 7 इज स्वीट्स, मिठाइयां। थायराइड में आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है, ऐसे में अगर आप ऐसी चीजें कंज्यूम करेंगे जिनमें बहुत ज्यादा कैलोरीज हैं तो ये आपके थायराइड की फंक्शनिंग को और भी डिस्टर्ब कर सकता है। थायराइड और वेट गेन एक विशियस साइकिल है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं थायराइड का डाइट प्लान, जिसको फॉलो करने के बाद आपके थायराइड लेवल्स भी कंट्रोल रहेंगे प्लस आपका जो वेट लॉस है वो भी होगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक से। जो पहली हमारी ड्रिंक होगी मॉर्निंग में वो हमें कंज्यूम करनी है कोरिएंडर सीड्स वाटर यानी कि धनिया का पानी। इसे बनाने के लिए आप रात में ही एक ग्लास पानी में एक चम्मच कोरिएंडर सीड्स को डालकर रख दोगे। मॉर्निंग में आप इसे गर्म करके छान करके आप इस पानी को कंज्यूम करेंगे। उसके बाद आप अपना कंज्यूम करोगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आप कंज्यूम करोगे स्प्राउट सैलेड। इसके लिए आप 100-150 ग्राम स्प्राउट्स का यूज करोगे। आप मूंग स्प्राउट्स भी कंज्यूम कर सकते हो या ब्लैक चना के स्प्राउट्स बनाकर उन्हें भी यूज कर सकते हो। फिर बारी है मिड मील की। मिड मील में आप कोई भी सीजनल फ्रूट कंज्यूम कर सकते हो और साथ में आपको कंज्यूम करना है एक पीस ऑफ कोकोनट स्लाइस। कोकोनट आपके थायराइड की फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है। फिर बारी है लंच की। लंच में आपको कंज्यूम करना है किनुआ मूंग दाल खिचड़ी, जिसे बनाने के लिए आपको 30 ग्राम किनुआ का यूज करना है, 30 ग्राम मूंग दाल का यूज करना है और बहुत सी वेजेस इसमें ऐड करके आप ये खिचड़ी को बना सकते हो। साथ में आप कर्ड या बटर मिल्क कुछ भी ले सकते हो और इसके साथ में आपको लेना है एक बोल ऑफ फ्रेश सैलेड, जिसमें आप 100 ग्राम सैलेड का यूज करो। अगर आप लंच में किनुआ मूंग दाल खिचड़ी कंज्यूम नहीं करना चाहते, उसकी जगह चपाती खाना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। आप ओट्स की रोटी या फिर आप अमरंथ की रोटी भी यूज कर सकते हो। आप दो आटों को मिक्स कर जैसे कि गेहूं और ओट्स को मिक्स कर या फिर गेहूं और जौ को मिक्स कर उसकी भी चपाती खा सकते हो। इसको आप किसी भी सीजनल वेजी के साथ ले सकते हो, अपनी पसंद की किसी भी सब्जी के साथ आप ले सकते हो। आलू को फिलहाल के लिए अवॉइड करना और साथ में आपको कंज्यूम करना है कर्ड या फिर बटर मिल्क और इसके साथ आप लोगे एक फ्रेश बॉल ऑफ सैलेड, जिसमें आप 100 ग्राम सैलेड का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद अब बारी है इवनिंग की। इवनिंग में अगर आप चाय पीते हो तो आप चाय पी सकते हो, पर ध्यान रखना कि उसमें आपको शुगर को ऐड नहीं करना है। साथ में आप लोगे एक टेबल स्पून ऑफ मिक्स्ड सीड्स का। मिक्स सीड्स में आप 4 सीड्स का यूज करोगे, पहला फ्लैक्स सीड्स, सेसेमे सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स। इन चारों सीड्स को यूज कर इन्हें रोस्ट करके आप रख लेना एंड अपनी शाम की चाय के साथ आपको ये सीड्स लेने हैं। अगर आप चाय नहीं पीना चाहते तो आप इसकी जगह ग्रीन टी भी ले सकते हो, या आप ग्रीन टी भी नहीं लेना चाहते तो आप इसकी जगह चिया सीड्स वाटर ले सकते हो। चिया सीड्स वाटर बनाने के लिए आपको एक चम्मच चिया सीड्स को थोड़े से पानी में भिगो कर रख देना है 15-20 मिनट के लिए। जब वो जेल टाइप शेप ले लेगा तब आपको उसको एक ग्लास पानी में ऐड करके वो पी लेना। अब बारी है डिनर की। डिनर आपको अर्ली करना है, 7:30 या 8 बजे तक मैक्सिमम आप अपना डिनर कर लीजिए। डिनर में आप कंज्यूम करोगे बेसन चिल्ला। आपको 30-45 ग्राम बेसन का यूज करना है। इसमें आपको वेजेस एज पर योर चॉइस आप इसमें ऐड करोगे, आपको ये चिल्ला बनाकर खाना है। इसके साथ आपको सैलेड कंज्यूम करना है। अब रात को पोस्ट डिनर जो है आप सौंफ का पानी ले सकते हो। आपको एक ग्लास पानी में एक चम्मच सौंफ को बॉईल करना है, उसे जब वो ल्यूक वार्म हो जाएगा आप उसे छान करके आप वो पानी पी सकते हो। तो ये था पूरे दिन का डाइट प्लान। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि थायराइड में आपका डाइट प्लान किस तरह का होना चाहिए। सो आई होप यू लाइक टू दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कहीं भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इफ यू वॉन्ट कि मैं 7 डेज का डाइट प्लान आपके साथ शेयर करूं के लिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इफ यू वांट कि मैं किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर, हेल्दी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ऐसे ही हेल्दी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।